हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीनाम तिल। तो आज मैं आपको लव मैरिज के बारे में बताऊंगा कि लव मैरिज कहाँ होती है और कैसे होती है, क्या 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 डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई बड़ी उम्र के आदमी है जिसको थोड़ा है, ये लगेगा कि पता नहीं लव मैरिज के ऊपर वीडियो बना रहा है और बिगाड़ने की सोच रहा है बच्चों को, तो मैं कोई बिगाड़ने की नहीं सोच रहा हूँ भाई। मैं सिर्फ जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, तो उस चीज़ को सिर्फ नॉलेज के तौर पे लेना, ना कि उस पर खुद अमल करना। लेकिन अगर अमल करना है तो करो, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो सिर्फ मैं एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव लेना, ना कि नेगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लव मैरिज, अगर किसी भाई को लव मैरिज करनी है, मतलब अगर घर की सहमति है तो भाई कोई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर की सहमति नहीं है, भाग कर करनी है, तो वो दिल्ली से कर सकता, आर्य समाज मंदिर से। उसके जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आधार कार्ड लड़की का भी, और लड़की की मार्कशीट भी, ठीक है। और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी चल जाएगा। दो या तीन डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है मार्कशीट। अभी बात करते हैं लड़के की भी, लड़के की भी सेम आधार कार्ड मार्कशीट, क्योंकि वो क्या है ना, मार्कशीट में जो डेट डेट ऑफ बर्थ होती है, कितनी एज है, वो मार्कशीट अच्छे से प्रूव कर देती है कि हाँ भाई यही है। आधार कार्ड में किसी की कम है, किसी के फालतू है, मार्कशीट में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, तो मार्कशीट सबसे अच्छा प्रूफ होता है एज का, तो इसलिए मार्कशीट मांगते हैं। दूसरी बात, ये जो आपको बता दूं, लड़की की जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से ऊपर, और जो लड़के की होनी चाहिए वो है 21 साल से ऊपर। तो ये एज का फंडा था। और साथ के साथ इसमें आपको लड़की की तरफ से भी एक विटनेस लगेगा, गवाह, और लड़के की तरफ से भी एक विटनेस लगेगा। और आर्य समाज मंदिर में जब आप जाओगे तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक वकील करो, क्योंकि वहाँ पे एफिडेविट वगैरह सब कुछ तैयार होगा अलग से। लड़की का भी एफिडेविट तैयार होगा, लड़के का भी एफिडेविट तैयार होगा, और उसमें जो विटनेस होंगे उनके साइन भी होंगे। तो फिर आपको आपकी शादी वहाँ फेरे होंगे, और आपको जो आर्य समाज मंदिर से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है, घर वालों से प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो वो आप प्रोटेक्शन भी ले सकते हो। अगर कोर्ट से लेना चाहो तो कोर्ट से भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। अभी मान लीजिए कि कोर्ट में आप गए, आपका वकील है, वो आपको प्रोटेक्शन दिला रहा है, तो उस वकील को क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक पेटिशन तैयार करना पड़ेगा। उसमें जो सर्टिफिकेट आ रही है समाज मंदिर ने दिया, जो एफिडेविट दिए हैं, उनकी कॉपी लगेगी एक, ठीक है। और कॉपी के साथ साथ आपके आईडी प्रूफ वगैरह लगेंगे, और फिर डीजे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसके पास फाइल लगेगी। और वहाँ पर फाइल लगने के बाद आपको एक या दो दिन के लिए एसपी ऑफिस के ऊपर रखा जाएगा, जो कि कहीं भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो वहाँ आपको ऑफिस मिल जाएगा, तो पुलिस आपको वहाँ पे लेके जाएगी, जो कि कोर्ट के ऑर्डर से। क्योंकि एक या दो दिन के लिए क्यों लेके जाएगी वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप पेटिशन फाइल करोगे, जब आप फाइल दोगे डीजे कोर्ट में, तो जो डीजे है ना, वो नोटिस देगा जिन जिन से भी आपको खतरा है, अपनी फैमिली में जिन जिन से भी अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है, तो उसके खिलाफ नोटिस जाएगा कोर्ट की तरफ से, फिर उनको बुलाया जाएगा। तो उसमें दो या तीन दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन जब तक वे आएंगे दो या तीन दिन में, तब तक आपको वहाँ पे एसपी ऑफिस के ऊपर वहाँ पे सेफ रखा जाएगा, ये खोल है वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, तो इतना आपको वहीं रहना पड़ेगा। जब वे आ जाएंगे, आपके परिवार से, आपके घर वाले जिन जिन से आपको खतरा है, तो उनके बयान हो जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपको कोई परेशानी, तो उस टाइम तो वो मना ही करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो उनके बयान लिए लिए जाएंगे, क्योंकि अगर कल को आपको कोई भी नुकसान होगा तो वे जिम्मेदार होंगे, उनको डायरेक्ट पुलिस उठा लेगी। तो ये होता प्रोटेक्शन। अभी एक बात और कर लेता हूँ, कई बार क्या होता ना कि लव मैरिज करने के बाद प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट पुलिस वालों के पास जाते हो आप, तो भाई डायरेक्ट पुलिस वाले के पास आप मत जाओ, आप कोर्ट से प्रोटेक्शन लो। आप पुलिस वाले के पास जाओगे तो अगर तो बाई चांस अगर लड़की ने आपके खिलाफ बयान दे दिए, तो आपको लड़के को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप कोर्ट से ही प्रोटेक्शन लो। तो ये था भाई, कोई ज़्यादा इसमें लंबा थोड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। लव मैरिज अगर करनी भी है तो अपने घर वालों से पूछ कर करो। मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, मैं किसी का घर बिगाड़ने की नहीं सोच रहा भाई, और ना ही कभी सोचूंगा। तो सिर्फ एक जनरल नॉलेज की बात थी, वो आपको बता दी। तो
कभी भी अगर लव मैरिज करनी है तो अपने घर वालों से सलाह जरूर ले, उनसे बातचीत जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।